उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्रवार से उत्तराखंड में 3 दिवसीय भ्रमण पर हैं। शनिवार शाम योगी आदित्यनाथ माड़ा के पास बॉर्डर पर तैनात जवानों से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री योगी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार योगी आदित्यनाथ को दोपहर में केदारनाथ रवाना होना था, पर मौसम खराब होने के चलते योगी आदित्यनाथ केदारधाम नहीं जा सके, बल्कि बद्रीधाम पहुंचकर बीआरओ गेस्ट हाउस में अल्प विश्राम के बाद माड़ा पास बॉर्डर के लिए रवाना हुए और जवानों से मुलाकात कर उनके साथ जयकारे लगाते नजर आए। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित इमरान मसूद ने कांग्रेस में वापसी कर ली। इस साल 29 अगस्त को बीएसपी से इमरान मसूद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते निकाल दिया गया था। उनके खिलाफ ये कार्रवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद की गई थी। बीएसपी में शामिल होने से पहले मसूद समाजवादी पार्टी के नेता थे। उन्होंने सपा को अक्टूबर 2022 में छोड़ दिया था और बीएसपी का दामन थामा था। पार्टी में लौटने को लेकर इमरान मसूद ने कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त किया है। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हुआ। आज कोर्ट में मुख्तार का अतिरिक्त बयान दर्ज किया गया। गैंगस्टर के इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। करंडा थाने में साल 2010 में मुख्तार पर गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था। गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। हालांकि दोनों मामलों में मुख्तार बरी हो चुका है। वहीं एक और मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत याचिका निरस्त कर दी। व्यापारी नेता अबू फकर खां की भूमि को ज़बरदस्ती बैनामा कराने के मामले में MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अर्जी को खारिज करने का निर्णय दिया है। यूपी के आजमगढ़ में छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा स्कूल को बंद करने का भी आदेश दिया गया है, क्योंकि जांच में स्कूल की मान्यता 8वीं तक ही पाई गई, जबकि पढ़ाई 9 से 12 क्लास तक की चल रही थी। बता दें कि 31 जुलाई को गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत हो गई थी। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। मृतका के परिजनों ने CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं इस पूरे मामले को परिजनों ने हत्या बताते हुए प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर केस दर्ज करवाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि विवेचना के बाद कुछ धाराएं हटा दी गईं और आखिर में कोर्ट से प्रिंसिपल और टीचर को जमानत मिल गई। कासगंज जिले के समीपवर्ती गांव जखा रुद्रपुर सहित अन्य गांवों में बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही गांव में एक ही महीने के अंतराल में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बच्चे बीमारी की चपेट में आ गए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग बीमारी से अनजान बना हुआ है, तो वहीं रहस्यमय बीमारी के चलते गांव की स्थिति चिंताजनक हो गई। जबकि जिले भर के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मरने वालों की संख्या 1.5 दर्जन के तकरीबन पहुंच चुकी है। 110 डेंगू और 100 पेशेंट मलेरिया के मिले हैं। वहीं अस्पतालों में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है।